नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं ये फार्माकोलॉजी की हैं, जो कि KD त्रिपाठी बुक से हमने लिया है ये वाला। तो जिसके अंदर हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं सबसे पहले, और उसके अंदर आती हैं हमारी अल्काइलेटिंग एजेंट्स। साइटोटॉक्सिक के अंदर अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अलावा भी और भी आती हैं, जिसको हम देख लेते हैं। एक आता है जैसे प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, एंटी मेटाबोलाइट्स, माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अल्काइलेटिंग एजेंट जो ड्रग्स आती हैं उसमें कौन सी हैं, उसके अंदर अल्काइलेटिंग एजेंट में भी हमारे पास आगे डिवीज़न दी हैं, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिनमीन, अल्काइल सल्फोनेट्स। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो ये होता क्या है, जो फार्मासिस्ट के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं फार्माकोलॉजी में, जो कि क्लासिफिकेशन से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे नाइट्रोजन मस्टर्ड की कौन सी ड्रग्स है, अल्काइलेटिंग एजेंट की कौन सी ड्रग है, इथाइलिनमीन की कौन सी है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के बजाय हम अगर इनको क्लासिफिकेशन जो अच्छे से याद कर लें, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली इसी में से ही आते हैं फार्माकोलॉजी के, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, या हमारे पास ड्रग्स पूछ ली जाती हैं, या साइड इफ़ेक्ट्स। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट में आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसके अंदर हमारे पास ड्रग आएगी मैक्लोरइथामिन, उसको मिस्टिन SCL भी बोलते हैं, साइक्लोफोस्फामाइड, आईफोस्फामाइड, क्लोरम्बुसिल एंड मेलफ्लान। तो ये हमारी नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर है अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर। ठीक है, मैक्लोरइथामिन, साइक्लोफोस्फामाइड, आईफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फा आईफोस्फा ये याद रखना पड़ेगा, सेम ही है। देन क्लोरम्बुसिल एंड मेलफ्लान। अब वैसे तो इसके ट्रिक्स भी हैं, करने को हम ट्रिक्स के साथ कर सकते हैं, पर वो ट्रिक्स भी इतने लंबे लंबे हैं कि उनको ट्रिक्स को याद करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, या कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी ट्रिक्स कहाँ लगी थी। तो इसलिए फ़िलहाल हम डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर इथाइलिनमीन। इथाइलिनमीन में आएगा थायोटिप्पा, इथाइलिनमीन। ये सारे अल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर ही हैं, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिनमीन, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसो यूरिया, ये सारे के सारे अल्काइलेटिंग एजेंट में हैं। तो इथाइलिनमीन में आएगा थायोटिप्पा, अल्काइल सल्फोनेट में बुसल्फान, नाइट्रोसो यूरिया में कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन, कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन, नाइट्रोसो यूरिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में। और ट्रायाजीन का आएगा डकार्बाजीन, टेमोजोलोमाइड एंड मिथाइल हाइड्राजीन का प्रोकार्बाजीन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कई बार कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के अंदर कुछ ड्रग्स डालेंगे, साथ में नाम डाल देंगे प्रोकार्बाजीन, उसमें फेनिरामीन, क्लोरफेनिरामीन, प्रोकार्बाजीन, तो हमें नाम से ऐसे लगेगा कि ये हिस्टामिनिक ड्रग है। तो याद रखना है प्रोकार्बाजीन नॉट ए हिस्टामिनिक, दैट इज़ ए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में अल्काइलेटिंग एजेंट है। ठीक है, इनके मैकेनिज्म बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें होता क्या, फ्री रेडिकल्स आयन होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट में, जो कि DNA सिंथेसिस को वहाँ 7th पोजीशन ग्वानिन की ये चेंज कर देते हैं, जिससे DNA नहीं होता है। ठीक है, वो बाद की बात है। तो सिर्फ हम अल्काइलेटिंग एजेंट में देखते हैं, नाइट्रोजन मस्टर्ड आता है जिसके अंदर मैक्लोरिथामिन, साइक्लोफोस्फामाइड, क्लोरम्बुसिल, आईफोस्फामाइड, मेलफ्लान एंड इथाइलिनमीन में आएगा थायोटिप्पा, अल्काइल सल्फोनेट में बुसल्फान, नाइट्रोसो यूरिया में कार्मोस्टीन, लोमोस्टीन, उनके शॉर्ट फॉर्म भी ये हैं BCNU के, ट्रायाजीन में डकार्बाजीन एंड टेमोजोलोमाइड, एंड मिथाइल हाइड्राजीन में प्रोकार्बाजीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्लेटिन से नाम याद रखना है, प्लेटिन है तो सिस प्लेटिन, प्लेटिनम में प्लेटिन है फर्स्ट वर्ड और इसमें लास्ट वर्ड आ जाएगा, दैट इज सिस प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलोप्लेटिन, और इधर से ये प्लेटिन है। ठीक है, ये प्लेटिन है
और इधर से लास्ट प्लेटिन, सिस प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन एंड ऑक्सैली प्लेटिन। ये तीनों जो ड्रग्स हैं कीमो की बहुत यूज़ होती हैं, तो ये मोस्टली ये कीमो पेशेंट्स में दी जाती हैं, सिस प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलो प्लेटिन। मैं एक्चुअली खुद एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मेरा जो ड्यूटी है फार्मासिस्ट के, तो मुझे मोस्टली इन चीज़ों की आइडिया है। तो सिस प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलो प्लेटिन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एंटी मेटाबोलाइट्स, कौन सी एंटी मेटाबोलाइट्स में तीन आगे कैटेगरी हैं, फोलेट प्यूरिन एंटागनिस्ट, फोलेट एंटागनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागनिस्ट, ठीक है। तो प्यूरिन से, फोलेट से हम याद रखेंगे, एट फोलेट है लास्ट में, फर्स्ट में इथे, इधर लास्ट में मेथोट्रेक्सेट, एट से एट मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट हमारी उसमें भी देते हैं हम रिमोटेड अर्थराइटिस में भी, ठीक है, और पेमेट्रेक्सेड, पेमेट्रेक्सेड एंड मेथोट्रेक्सेट, ये नाम से याद हो जाएगा, फोलेट एंटागनिस्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और प्यूरिन एंटागनिस्ट में कौन सी आ जाते हैं हमारे पास, सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन, देखो यहाँ पे प्यूरिन, देन यहाँ पे भी प्यूरिन, देन एजाथायोप्रीन, प्यूरिन है इधर, प्यूरिन है फिर इधर, फ्लोडाराबीन है। तो फोलेट का आ जाएगा एंटागनिस्ट के अंदर हमारा मेथोट्रेक्सेट, पेमेट्रेक्सेट, प्यूरिन के अंदर आएगा हमारा सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन, सिक्स एमपी से भी डिनोमिनेट करते हैं, सिक्स थायोक्विनिन, टीजी से भी डिनोमिनेट करते हैं, एजाथायोप्रीन एंड फ्लुडाराबीन, दैट इज़ प्यूरिन एंटागनिस्ट। एंड देन आ जाएगा हमारे पास पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में, पिरिमिडिन्स में आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटेबिन, दैट इज़ टैबलेट फॉर्म में आती है ये कैपेसिटेबिन, साइटाराबीन एंड 5-फ्लोरोयूरासिल, 5-FU के नाम से भी इसको जानते हैं हम। तो एंटी मेटाबोलाइट में तीन है, फोलेट से मेथोट्रेक्सेट, पेमेट्रेक्सेट, एंड प्यूरिन एंटागनिस्ट में फ्लुडाराबीन, एजाथायोप्रीन, सिक्स मरकैप्टोप्यूरिन, सिक्स थायोग्विनिन, देन पिरिमिडिन आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटेबिन टैबलेट आती है ये, 5-फ्लोरोयूरासिल एंड साइटाराबीन, ठीक है। देन ये हो गया हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी। नेक्स्ट आएगा माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल डिवीजन के अंदर आती है, माइक्रोट्यूबुल्स बनते हैं जब ये एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज के अंदर, तो उसको डिस्टर्ब करती है। तो इसमें देखते हैं कौन सी ड्रग आती है माइक्रोट्यूबुल में, विनक्रास्टिन, विनब्लास्टिन, ये मोस्टली क्वेश्चन आते ही हैं हमारे, विनक्रास्टिन, विनब्लास्टिन, देन पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल, ठीक है। तो देन इट एस्ट्रामुस्टिन एक रहेगा इसमें, विनोरेलबिन, विनोरेलबिन करके, पैक्लिटैक्सल और डोसीटैक्सल भी जो कीमो पेशेंट्स में बहुत चलते हैं, पैसीटैक्सल, पैक्लिटैक्सल एंड डोसीटैक्सल, एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये विनका रोजिया जो फ्लावर होता है, विनको कैथारंथस करके, उसमें से मिलते हैं हमें। देन एस्ट्रामुस्टिन भी टैबलेट है, माइक्रोट्यूबुल में ईजी है, कोई मुश्किल नहीं माइक्रोट्यूबुल में, तो ट्यूबुल्स को जो डिस्टर्ब करते हैं विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, पैक्लिटैक्सल एंड डोसीटैक्सल, देन एस्ट्रामुस्टिन एंड विनोरेलबिन करके। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं जो बहुत कीमो पेशेंट्स को लिखी जाती हैं, टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स। तो टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स में कौन सी है, इटोपोसाइड एंड टोपोआइसोमरेज 1 में दो हैं, टोपोटिकैन एंड इरनोटिकैन, 1 के अंदर दो हैं टोपोटिकैन इरनोटिकैन, 2 के अंदर इटोपोसाइड है। देन है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में कौन से हैं, एक्टिनोमाइसिन डी, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन एंड एप्यूरुबिसिन। इसमें देखो मोस्टली एंटीबायोटिक में कौन कौन से हैं, सिन करके लिखे हुए हैं, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, एप्यूरुबिसिन, ठीक है, एक्टिनोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन, सिन सिन एंड सिन सिन करके ही हैं सारे, ठीक है। तो याद करने भी इजी रह जाएंगे, कल को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसमें याद रख लेते हैं एक्टिनोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन, डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, एपीरुबिसिन, ठीक है, ये सारे जो हैं एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने अभी तक देखा साइटोटॉक्सिक ड्रग में कौन कौन सी देखी थी हमने अभी तक, सबसे पहले हमने देखी थी
अल्काइलेटिंग एजेंट, अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर हमने नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलिनमीन, एनिलकाइल सल्फोनेट, नाइट्रोसो यूरिया, ट्रायाजीन, मिथाइल हाइड्राजीन। देन प्लेटिनम से हमें याद रखना है प्लेटी से था प्लेटी, सिस प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ऑक्सैलोप्लेटिन। देन एंटी मेटाबोलाइट में तीन थे, फोलेट एंटागनिस्ट, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। फोलेट में मेथोट्रेक्सेट, पेमेट्रेक्सेट, प्यूरिन से 6-मर्केप्टोप्रीन, 6-थायोग्निन, एजाथायोप्रीन। ठीक है, पिरिमिडीन में 5-फ्लोरोयूरासिल, कैपेसिटेबिन ये टैबलेट फॉर्म में होती है, साइटाराबिन। देन माइक्रोट्यूबुल में विनक्रास्टिन, विनब्लास्टिन, पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल एंड एरेट्रामोस्टिन एंड विनोरलिबिन। टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर्स में इटोपोसाइड, उसमें एक ही है, 1 में 2 थी। ठीक है, 2-1 में कौन सी है, टोपोटिकैन, इरिनोटिकैन। एंड एंटीबायोटिक में ये सारे सिंसिन हैं, एक्टिनोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन, मिटोमाइसिन, देन एपीरुबिसिन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर एक कैटेगरी है मिसलेनियस अल्काइलेटिंग एजेंट में, दैट इज़ हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्परेजिनेस, ट्रेटिनोइन एंड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ट्रेटिनोइन की क्रीम्स भी आती हैं, ठीक है, ये ऑटोमिनिन डिजीज के लिए यूज़ होती हैं। देन है हाइड्रोक्सी यूरिया, एल एस्परेजिनेस, ओके। नेक्स्ट है टारगेटेड ड्रग्स, टारगेटेड ड्रग्स भी देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, देखो टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कीमो के अंदर ही समझ लो, तो फार्माकोलॉजी में डायरेक्ट पूछा जाता है कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की एग्जांपल कौन सी है, तो इमाटिनिब या नीलोटिनिब, ये टैबलेट फॉर्म में आती हैं, ये भी टैबलेट फॉर्म में दी जाती हैं, इमाटिनिब, नीलोटिनिब, इरलोनटिनिब, ये सारी की सारी टैबलेट्स फॉर्म में दी जाती हैं। तो ये कौन सी हैं, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर्स हैं। देन है ईजीएफ, ये होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ, ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर्स। देन उसमें आएगा सिटुक्सिमैब, एरलोटिनिब एंड गेफिटिनिब। ठीक है, वो टायरोसिन में था। देन है ईजीएफ है, इसमें सिटुक्सिमैब ये कीमो की नॉट ए टैबलेट, दैट इज़ द इंजेक्शन फॉर्म में है, ये मैब जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, एक्साई का मतलब है कि ह्यूमन एंड एनिमल से मिलके बना हुआ है, 50-50% दैट है एक्साई, ये डिनोमिनेट करता है। टी यू किसको डिनोमिनेट करता है, यहाँ सिटुक्सी में टी यू दैट इज़ ट्यूमर, तो इसको याद रखने का मेथड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एक्साई मतलब ह्यूमन विद एनिमल 50-50% मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तैयार की गई है, टी यू से मतलब है ट्यूमर के लिए है ये। ठीक है, ई जी एफ रिसेप्टर है ये इनहिबिटर। देन है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, जिसमें बिवासुजुमाब एंड सुनीटिनिब, इसमें दो हैं सुनीटिनिब एंड बिवासुजुमाब, दैट इज़ आल्सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जेड यू का मतलब है टोटली ह्यूमन से डिराइव हुई है, और सी आई का मतलब है सर्कुलेटरी, उसको प्रॉब्लम है, मींस ट्यूमर की सर्कुलेटरी बॉडी में कोई ना कोई इशू है ब्लड से रिलेटेड, तो उसको ये दी जाएगी बिवासुजुमाब। और एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर में बिवासुजुमाब, सुनीटिनिब। देन है प्रोटियोसम इनहिबिटर, दैट इज़ बोटेजोमिब। ठीक है, ये बोटेजोमिब आ गया। देन आ गया अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, दैट इज़ रिटुक्सिमैब एंड ट्रास्टुजुमाब। मैब से मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक्साई का मतलब 50-50 ह्यूमन एंड एनिमल से तैयार हुआ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, टी यू से मतलब फिर आ गया ट्यूमर, दैट इज़ सेम यहाँ पे है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जेड यू का मतलब ह्यूमन, 100% मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेडी हुई है, एंड टी यू का मतलब ट्यूमर से हो गया। ठीक है, तो ये अनआर्म्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ट्रास्टुजुमाब एंड रिटुक्सिमैब। इसको दोबारा देख लेते हैं हम, टारगेटेड में टायरोसिन के लिए मेन याद रखनी दो ड्रग्स हैं, नीलोटिनिब एंड इमाटिनिब, एंड ईजीएफ के लिए है सिटुक्सिमैब, इरलोटिनिब एंड गेफिटिनिब। देन एंजियोजेनेसिस में बिवासुजुमाब एंड सुनीटिनिब, प्रोटियोसम इनहिबिटर में बोटिजोमिब, एंड अनआर्म्ड में रिटुक्सिमैब, ट्रास्टुजुमैब। ये याद रखना जो मैंने थोड़ा सा बताया आपको, मैब से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, टी यू से ट्यूमर। देन है हार्मोनल ड्रग्स, हार्मोनल ड्रग्स में कौन सी आएंगी, दैट इज़ ग्लूकोकोटिकोइड, प्रेडनिसोलोन वगैरह। ठीक है, देन एस्ट्रोजन, फोस्फेस्ट्रोल एंड इथेनाइल एस्ट्राडियोल। तो एस्ट्रोजन से रिलेटेड कौन सी हैं, फोस्फोफेस्ट्रोल, इथेनाइल एस्ट्राडियोल
एंड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM भी बोलते हैं हम इसको, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर SERM, दैट इज़ टमोक्सीफेन एंड टोरेमेफिन। टमोक्सीफेन जो होती है वो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ होती है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है। और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में आ जाएगा, ये मॉड्यूलेटर था टमोक्सीफेन टोरेमेफिन एंड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर में फल्विस्ट्रेंट आ जाएगा, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज का याद रखना है, ये जो एंजाइम्स होता है एरोमेटेज इनहिबिटर्स, दैट इज़ याद रखना एनास्ट्राजोल लेट्रोजोल, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एरोमेटेज इनहिबिटर की ड्रग्स डायरेक्ट पूछते हैं, लेट्रोजोल एंड एनास्ट्राजोल। देन एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड बिक्लूटामाइड, ठीक है, इसमें बिक्लूटामाइड में इसका ब्रांड नेम आता है, बड़ा फेमस है ओटामाइड करके, तो एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड बिक्लूटामाइड। और ये 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो होती हैं, दैट इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस डायरेक्ट, फिनास्टेराइड ड्यूटास्टेराइड, एंटी एंड्रोजन फ्लूटामाइड बिक्लूटामाइड। और एरोमेटेज में एरो से याद रखना ये एनास्ट्राजोल लेट्राजोल एक्सीमेस्टिन। देन GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स, दैट इज़ नेफरेलिन लिपोरोलिन एंड ट्राइप्टोरेलिन, ये भी कीमो के लिए बहुत ड्रग्स यूज़ करते हैं, ट्राइप्टोरेलिन बहुत कॉस्टली आता है, पेमोरलिन के नाम से आती है ये ड्रग, पेमोरलिन के नाम से ब्रांड नेम है ये, तो ट्राइप्टोरेलिन नेफरेलिन लिपोरोलिन ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स एंड ड्रग्स। देन लास्ट है प्रोजेस्टिन, दैट इज़ हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, तो ये हमने हार्मोनल से रिलेटेड पढ़ी हैं, तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हार्मोनल में आ जाएगा ग्लूकोकॉइड प्रेडनिसोलोन्स, एस्ट्रोजन में फोस्फेस्ट्रोल इथानाइल एस्ट्राडियोल, इसमें SERM हो गया, SERM में टमोक्सीफेन एंड टोरेमेफिन, एंड डाउन रेगुलेटर में फल्विस्ट्रेंट आ जाएगा। देन एरोमेटेज इनहिबिटर में लेट्राजोल एनास्ट्राजोल, एंड एंटी एंड्रोजन में फ्लूटामाइड बिक्लूटामाइड, जिसका बिक्लूटामाइड में ओटामाइड बड़ा ब्रांड नेम फेमस है और बहुत चलता है ये। 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर डायरेक्ट चलता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड। देन GnRH एनालॉग नेफरेलिन ड्यूप्रोलिन एंड ट्राइप्टोरेलिन, पमोरलिन के नाम से आता है ये। प्रोजेस्टिन के लिए हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिन एसीटेट। तो ये हमारी थी आज की क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो। और ये मैंने फार्माकोलॉजी की जो मेन फेमस बुक है KD त्रिपाठी, उसी में से मैंने ये डाटा लिया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी क्लासिफिकेशन में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।